अरे जो एंथोलॉजी सीरीज है नेटफ्लिक्स पे आप सब देख सकते हो, उसका रिव्यू करने वाली हूँ। पर वेट वेट वेट, अगर आपने नहीं देखा ट्रेलर अभी तक या फिर अभी तक सीरीज नहीं देखी तो ट्रेलर है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, वहीं पे जाके देख लीजिए और देखने के बाद आपको पता चलेगा आपने क्या मास्टरपीस है जो अभी तक मिस कर दिए हैं। तो ट्रेलर देखिए और फिर रिव्यू शुरू करते हैं। तो आ गई हैं आप वापिस, तो मैं वेलकम करती हूँ आप सबका अपने चैनल बॉलीवुड तड़का पे, जहाँ लेके आती हूँ रिव्यूज। रिव्यू करेंगे आज ब्रेकी सीरीज का, जो कि एंथोलॉजी सीरीज है नेटफ्लिक्स पे आ गई है। अब सत्यजीत रे की शॉर्ट कहानियां हैं उनपे जो है सीरीज बनी है, 4 एपिसोड हैं। और तो पहला एपिसोड है वो है जी फॉरगेट मी नॉट। तो ये एपिसोड ऐसे बंदे का है जिससे है जी ऑल्टर स्फीयर है, जो कि जो नंबर फिगर्स और फैक्ट है जो कभी भूलता नहीं है, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम तब आती है जब एक लड़की आती है। और लड़की के आने के बाद है वो नंबर्स है जो फैक्ट और फिगर है सब कुछ जो है बोलना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है ये जानने के लिए आज वो सीरीज देखिए। तो बात करें आप अलगी फजल की, तो अलगी फजल ने बहुत कमाल की और बड़ी ही सुपर एक्टिंग की है, और उनका काम है बहुत अच्छा लगा है मुझे और सबको भी अच्छा लगा है। और आगे बात करें ये जो है ना आपको सीरीज का एपिसोड नंबर 1 है जो फॉरगेट मी नॉट, ये आपको इतना हॉल नहीं कर पाएगा, इतना एंगेज नहीं कर पाएगा। पर जो है इसका एक मैं बात कहूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगी, एक सीन से दूसरे सीन में जब जाते हैं तो वो ट्रांसफॉर्मेशन है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अगर मैं ये बात कहूँ कि इस एपिसोड को किसी ने बचाया है तो उसका जो है क्रेडिट हमें इस एपिसोड के क्लाइमेक्स को देना चाहिए। तो क्लाइमेक्स क्या है ये तो खुद ही जान लोगे जब आप सीरीज देखोगे। तो बाकी इस सीरीज को अगर रेटिंग दूँ तो मैं 3 आउट ऑफ 5 इस सीरीज को जो है रेटिंग दूंगी। तो नंबर 2 जो एपिसोड है वो है जी बहरूपिया। और बहरूपिया एक ऐसे लड़के की जो कहानी है जो कि अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेला है और अपनी दादी से बहुत प्यार करता है। अब दादी तो रही नहीं इस दुनिया में, तो उसके बाद है जो उसकी लाइफ में क्या होता है ये सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये सीरीज। तो बात करें यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं है जो अब बात करें के मैनन और जोकर की जो है बहुत याद आने वाली है। तो दोनों की बात करूं अगर तो आपको जो है एक से जरूर लगेंगे, पर उनकी दोनों की लाइफ में जो था उनकी जिंदगी का सफर अगर कहें या उनकी जिंदगी में क्या फैक्ट थे क्या प्रॉब्लम थी, ये दोनों ही चीजें अलग अलग हैं। और जहाँ पे एक्टिंग करें एक्टिंग की बात करें के मैनन की, तो उन्होंने बहुत ही कमाल की एक्टिंग की है। और डायरेक्शन की बात करें तो बहुत ही जो है एक खूब डायरेक्शन की है, आपको होल्ड करके रखता है ये एपिसोड, एंगेज कर पाते हो और कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि ये जो है ना स्टोरी आपकी लाइफ को है जो रिलेट करती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको देख के है जो ये एपिसोड लगेगा कि ये तो भी हमारी ही कहानी है। तो इस एपिसोड को अगर रेटिंग दूं तो मैं दूंगी जी 4 आउट ऑफ 5। तो अब तीसरे एपिसोड की बात करें तो तीसरा एपिसोड है जो वो है जी हंगामा क्यों भरपा। हंगामा क्यों भरपा में एक शायर की स्टोरी है, तो दूसरा एक्स पहलवान है। तो ये दोनों है जो एक ही ट्रेन में जो है सफर कर रहे हैं, एक ही कंपार्टमेंट में सफर कर रहे हैं। तो इनके बीच में है जो क्या बातचीत होती है, क्या उनका जो है सफर रंग लेके आता है, ये सब जो है आपको देखने के लिए ये सीरीज जो देखनी ही पड़ेगी। तो बात करें यहाँ पे इस एपिसोड में आपको बहुत सारी जो है कॉमेडी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे है जो गजराज राव और मनोज बाजपेयी की जो केमिस्ट्री है आपस में दोनों की, वो आपको बहुत खूब देखने को मिलेगी।
और कहीं ना कहीं जो ये दोनों एक्टर्स जो है इस में जो है एक्टिंग कर रहे हैं इसके जरिए है जो ये आपको है जो ऐलान कर रहे हैं कि इनके ऊपर कोई एक्टर है ही नहीं है। तो ऐसी एक्टिंग जो है इस एपिसोड में आपको देखने को मिलेगी। आपको ये एपिसोड है जो एंगेज करके रखेगा, बहुत सारा जो होल्ड आप पे बनाए रखेगा और आप जो है ना इसको है जो फील कर पाओगे। कॉमेडी है, डायरेक्शन और क्लाइमेक्स है जो सब कुछ बहुत खूब है। और इस सीरीज के इस एपिसोड को अगर मैं रेटिंग दूँ तो 5 out of 5 दूंगी। बहुत ही जो है मुझे तो बहुत पसंद आया। बाकी आप तो देख के ही बताना, मुझे कमेंट जरूर करना अगर आपको जो है ये वाला एपिसोड पसंद आया, कैसा लगा, सब मुझे जो है कमेंट करना इस सीरीज के बारे में। तो सीरीज की 4th स्टोरी है जो वो है स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट एक ऐसे एक्टर की स्टोरी है जो कि अपने एक ही लुक की वजह से है जो इंडस्ट्री में चल रहा है। तो उसकी लाइफ में एक लड़की आती है, लड़की के आने बाद है जो काफी कुछ है जो उसकी जिंदगी में चौपट हो जाता है। तो चौपट क्या होता है वो तो आपको है जो सीरीज देख के ही पता चलेगा। तो आगे बात करें तो हर्षवर्धन ने बहुत अच्छे एक्टिंग की है। आप कई लोग कहेंगे उन्होंने ओवर एक्टिंग की है, तो ओवर एक्टिंग जो है आपको लगती है ये एक स्टोरी की मांग थी कि दिखाया गया है कि एक्टर को तो एक्टिंग करनी ही नहीं आती पर फिर भी वो एक्टिंग कर रहा है। तो अगर उन्होंने आप सबको ये लगता है कि उन्होंने जो है ओवर एक्टिंग की है, मतलब उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, तो डायरेक्शन आपको कहीं कहीं पे है जो सही नहीं लगेगी। आपको जो है बात करें अगर स्टोरी की, स्टोरी अच्छी है। राधिका मदान की जो है गेस्ट अपीयरेंस है इस स्टोरी में, और वो गेस्ट अपीयरेंस में जितना उनको रोल दिया गया उन्होंने बहुत अच्छे से है वो रोल किया है। अगर बात करूँ ये सबसे वीक स्टोरी है इस सीरीज में। सब कुछ अच्छा है पर आपको ये ना एंगेज नहीं कर पाती आप पे है जो होल्ड जो होता है ना एक वो नहीं कर पाती आप पे, और आपका ध्यान है जो कहीं ना कहीं भटकता रहता है। तो ऐसी स्टोरी है जो आपको बहुत ही वीक लगती है अगर आपके सामने और पहले भी आपने 3 देखी हो, 3 के मुकाबले ये वीक लगेगी फिर आपको। तो ओवरऑल अगर कहूँ तो मैं ये जरूर कहूंगी हाँ, अगर इसको रेटिंग दूँ तो 2 out of 5 दूंगी मैं इसको रेटिंग। अब बात करें तो मैं ये जरूर चाहूंगी कि सत्यजीत रे की और भी ऐसी कहानियों पे है जो ऐसी सीरीज बननी चाहिए। आपको ये सीरीज कैसी लगी, आपको जो है कौन सी एपिसोड अच्छा लगा, कौन सी स्टोरी अच्छी लगी, मुझे जरूर कमेंट करके बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन है जो तो क्लिक करो, क्लिक करने के बाद ही है जो नोटिफिकेशन मेरे वीडियोस के आप तक पहुंचेंगे। सो लाइक शेयर ऐसे करते रहो, आगे भी लेके आऊंगी ऐसे रिव्यूज, कोई अपडेट, कोई ना कोई खास खबर। तो चलती हूँ, गर्मियाँ बहुत है, अपना ध्यान रखिएगा, घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय।